हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री फास्ट ट्रैक विथ एग्री वाला। दोस्तों, आपको बता दें जो क्रॉप पेस्ट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दोस्तों ये फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है जो कि हो चुका है। तो दोस्तों, इसका फुल सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। बात करें दोस्तों, इसमें मैक्सिमम मार्क्स तो 50 मार्क्स का पेपर है और टाइम इसमें 1.5 आवर दिया गया था, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 60 है। यहाँ पर स्टूडेंट को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके दोस्त हैं सभी लोग अपना जो क्वेश्चन का आंसर करके आए हैं वो यहाँ पर आंसर किससे मैच कर सकें। ठीक है दोस्तों, और यार इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि हम जितने भी पेपर शाल करेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी बात के साथ दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं नंबर एक, एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन आवर एनवायरनमेंट कॉजिंग ईल इफेक्ट इज नोन एज। इसका जो है फर्स्ट का सी ऑप्शन सही है एंड बी दोनों, पेस्टिसाइड हजार्ड एंड पेस्टिसाइड पॉल्यूशन जो है दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सेकंड नंबर, फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेस्ट आउटब्रेक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑल द अबव। ठीक है दोस्तों, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और ब्रिंगिंग फॉरेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज और इंटेंसिव कल्टीवेशन, ये सभी जो होता है इसके अंतर्गत पेस्ट आउटब्रेक जो है इसके लिए उत्तरदायी होते हैं फैक्टर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपीयरेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन लार्ज नंबर टू काज इकोनॉमिक डैमेज इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, पेस्ट आउटब्रेक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, अ पेस्ट ऑफ अकर एवरी क्रॉप सीजन एंड कॉज ई लॉसेस इज नोन एज। फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेगुलर पेस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ एंड प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इज नोन एज। इसका जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है, पेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो परिभाषा दी गई है ये पेस्ट की दी गई है, डेफिनेशन है पेस्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पेस्टिसाइड, इसमें करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट जो होती है करेक्ट दी गई है। यहाँ पे देखते हैं पढ़ के कौन कौन सी स्टेटमेंट दी गई है, तो इसमें ए दिया है, पेस्टिसाइड शुड नॉट बी स्प्रेड अगेंस्ट द विंड, बी डस्टिंग शुड बी डन इन द मॉर्निंग आवर, सी ए एंड बी डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिक्स का सी, दोनों ये स्टेटमेंट जो दी गई हैं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेवेंथ जो है, ई सी स्टैंड फॉर, जो ई सी एच का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका यह करेक्ट होगा, एमएलसी फाइबर कंसनट्रेट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, स्नैल एंड स्लज बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास को ये बिलोंग करते हैं, तो इसमें आता है मोलस्का। मोलस्का जो है आपकी क्लास है, इसको स्नैल एंड स्लज जो है इसी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट एडल्ट माइट्स हैव पेयर ऑफ लेग, जो होता है मोस्ट एडल्ट माइट्स होती हैं, कितने पेयर इनमें जो होते हैं, कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ जो होता है चार जोड़ी जो होते हैं पैर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, फाइटोफेगस माइट्स बिलोंग टू द माइनली फैमिली, जो है फाइटोफेगस माइट्स जो होती हैं किस फैमिली को मुख्यतः बिलोंग करती हैं, तो इसमें आता है सी ऑप्शन करेक्ट है, लेट्रांचिडी एंड एरियोफाइट। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वारफेरिन क्या होता है, तो ये एक रोडेंटिसाइड है, रोडेंटिसाइड। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस रेट इज, तो
तो इसमें आता है आपका रेटस रेटस होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, फुनाम्बुलस पेननाटी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो किसका होता है ये, स्क्वायरल का आपका साइंटिफिक नेम होता है सी, ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोडेंट्स आर मेंबर ऑफ क्लास, रोडेंट्स जो होता है किस क्लास को बिलोंग करते हैं या किसके मेंबर होते हैं, तो इसमें आता है मैमेलिया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, लीगल मेथड्स ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व फॉलोइंग लेजिस्लेशन, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी ये दिए गए हैं यहाँ पे सभी यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, प्रोविजन ऑफ प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ एनी डेंजरस इंसेक्ट प्लांट डिजीज इज कॉल्ड, किसी भी खतरनाक कीट या पौधे की बीमारी के प्रवेश प्रसार को रोकने के लिए जो तत्प्रत निषेध को कहा जाता है क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्वारंटाइन कहते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, IPM टूल्स इंक्लूड, जो IPM टूल्स हैं आपके इसमें किस किस को शामिल किया गया है, तो इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, तो यहाँ पे दोस्तों IPM होता है, इसमें सभी मेथड्स को जो है अपनाया जाता है, तो दोस्तों ये होगा आपका ऑल द एबव, ऑल ऑफ एबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रमोशन ऑफ IPM इन इंडिया वाज स्टार्टेड एज सेंट्रल सेक्टर इन द ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे दोस्तों इसका आपका डी ऑप्शन 1992 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेटेड कंट्रोल वाज डिफाइंड बाई एज अप्लाइड पेस्ट कंट्रोल विच कंबाइंड एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल, तो यहाँ पे दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ईस्टर्न इटाल, यहाँ पे 19 का जो था है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरियल पैथोजन ऑफ फायर ब्लाइट इरविनिया एमाइलोरा ट्रांसमिटेड बाई इरविनिया एमाइलोरा जो होता है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पे हनी भी आता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फ्लावर थ्रिप्स फैमिली थ्रिपडी आर सस्पेक्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग, तो यहाँ पे इसका 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है, बैक्टीरियल फंगल एंड वायरल पैथोजन सभी जो है इनके सभी के द्वारा ट्रांसमिशन इसका होता है। ठीक है दोस्तों, या प्रसार कह लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, एफिड्स सुपर फैमिली एफिडोइडिया आर नोन टू ट्रांसमिट, यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल द अबव, बीट मोजेक, कॉलीफ्लावर मोजेक एंड कुकुम्बर मोजेक, सभी यहाँ पे सही होंगे आपके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मैकेनिकल मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल इंक्लूड, जो होता है कीट की यांत्रिक विधि में जो होता है किस किस को शामिल किया गया है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल द अबव, मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड और स्पाइकिंग ऑफ इंसेक्ट इन देयर बोर बॉल्स, यहाँ पे सभी जो हैं सही हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल द अबव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24, मैथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल इन विच हीट कोल्ड लाइट एटोमिक एनर्जी ATCR यूज इज नोन एज, तो इसका होता है आपका फिजिकल मेथड, क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इंक्लूड फॉलोइंग मेथड्स, तो यहाँ पे 25 जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल द अबव, मैकेनिकल कंट्रोल, कल्चर कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द लोवेस्ट नंबर ऑफ पेस्ट दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज इज नोन एज, तो 26 का ए होता है EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, दोस्तों इसकी ये डेफिनेशन ही पूरी दे दी गई है, आप समझ दिए गए क्या ये क्या है, तो ये EIL इकोनॉमिक होता है इंजरी लेवल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द केमिकल एजेंट आर नॉट टॉक्सिकेंट बट व्हेन मेड विद एन इंसेक्टिसाइड दे सिग्निफिकेंटली इन्हांस इट्स लेथल इफेक्ट, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होता है, सिनर्जिस्टिस। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसको सिनर्जिस्टिस को उत्प्रेरक कहते हैं, ऐसे रसायन जो विषाक्त नहीं होते या बहुत कम होते हैं, लेकिन जब उनको किसी इंसेक्टिसाइड के साथ जब मिलाया जाता है तो वे क्या करते हैं, उसकी विषाक्तता को और अधिक बढ़ा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक या सिनर्जिस्टिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28,
आर द केमिकल यूज फॉर किलिंग ऑल सॉर्ट डिस्ट्रक्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी क्या कहा जाता है, तो इनको पेस्टिसाइड कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंसेक्टिसाइड होगा केवल इंसेक्ट को मारने के लिए, एक्रीसाइड होता है ये माइट्स को मारने के लिए होता है, फंगीसाइड फंगस के लिए होगा, पेस्टिसाइड होता है जितने भी जीवित हानिकारक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनको सभी को मारने के लिए किसका किया जाता है, पेस्टिसाइड का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लेडी बीटल आर, लेडी बीटल क्या है, इसका बी ऑप्शन सही है, प्रीडेटर्स होता है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। इज डिफाइनड एज द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाई नेचुरल मीन एंड टिपिकल इन्वॉल्व एंड एक्टिव ह्यूमन रोल, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ, बी ऑप्शन करेक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लोकेटेड एट लखनऊ। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सिचुएटेड एट, तो इसका आता है ये ऑप्शन करेक्ट, पूसा, पूसा बिहार, जब पूसा पहले बिहार में हुआ करता था और वहीं ये IARI जो इंस्टीट्यूट था सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो पूसा बिहार में हुई, बाद में ये पूसा न्यू दिल्ली, पूसा रोड न्यू दिल्ली में ये स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका अब न्यू नेम क्या है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, पूसा रोड न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही होगा, तो यहाँ पे इंपीरियल वाला दिया गया है, ये आपका पूसा सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। NCIPM इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ आपका स्थित है, क्वेश्चन नंबर 33 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं डिफ्ल्यू बेंजीरोन इज, जो डिफ्ल्यू बेंजीरोन है ये क्या है आपका, तो IGR क्या था, ये IGR। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट अमंग द इंसेक्ट, तो 35 जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यूज ऑफ सेम पेस्टिसाइड फॉर लॉन्गर पीरियड, जब एक ही आप पेस्टिसाइड को जो तो बार बार उसे लंबे समय तक प्रयोग करते रहोगे, तो जो भी इंसेक्ट होगा जिस इंसेक्ट के लिए आप उस पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, उस पेस्टिसाइड या उस इंसेक्टिसाइड के प्रति वो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंसी उसमें आ जाती है, वो प्रतिरोध क्षमता उसमें जो है पैदा हो जाती है, जिससे वो कीट फिर उससे उस पेस्टिसाइड के द्वारा नहीं मरता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ ट्रायंगल ऑन द कंटेनर ऑफ पेस्टिसाइड इज ग्रीन देन इट इज, तो 36 जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये स्लाइटली टॉक्सिक होता है, जो ग्रीन होता है ये कैसा होता है, तो स्लाइटली टॉक्सिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कॉमा क्लोरिस जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, एंटी कोआगुलेंट रोडेंटिसाइड जो है। ठीक है दोस्तों, एंटी कोआगुलेंट रोडेंटिसाइड है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इट विल टेक इन वन डोज टू किल हाफ ऑल द टारगेट ऑर्गेनिज्म, 38 जो है इसका होता है बी ऑप्शन करेक्ट है, LD50। ठीक है दोस्तों, लीथल डोज 50 जो है ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सिम्टम ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग आर, तो जो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी विषाक्तता के सिम्टम जो पूछे गए हैं, लक्षण पूछे गए हैं, तो इसमें आते हैं डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी इसमें होते हैं ये, नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक। ठीक है दोस्तों, ये सभी लक्षण आते हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आगे देखते हैं 40। DDT इज ए कंपाउंड, DDT जो होता है ये क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्गेनोक्लोरीन। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनोक्लोरीन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। टाइप्स ऑफ स्प्रेयर नोजल आर, स्प्रेयर नोजल जो है इनके प्रकार पूछा गया, तो कौन कौन से इसके प्रकार हैं, तो ऑल द अबव, हॉलो कोन, फ्लैट फैन जेट, क्वेश्चन नंबर 41 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट मेन, यहाँ पे जो था AI इसका मेन पूछा गया, तो क्या होगा, टॉक्सिक एंड प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन,
फॉर्मेशन में मौजूद विषैले पदार्थ से क्या होते हैं, वहीं एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, इंटरक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग इज, इंटरक्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग जो होता है, 43 जो होता है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, कल्चरल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 44, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मासेस लावी लार्वी प्यूपी एडल्ट एंड इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज पार्ट ऑफ प्लांट फायर रिवर पॉसिबल इज ए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, केमिकल मेथड जो होता है। 44 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, केमिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 45, बैग्स एंड कंटेनर्स ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी कट ओपन विथ, कीटनाशकों के जो थैले होते हैं या कंटेनर होते हैं इनको किसके द्वारा काटा जाता है, तो यानी नाइफ, कोई ना चाहे कुछ साफ कर दोगे, कोई चाहे कैंची से काट दोगे, या एक सेपरेट नाइफ इसकी होगी अलग, या ना ना दो, तो इसके लिए सीधा सिंपल सा आंसर है सेपरेट नाइफ होगी, ऐसे थोड़ी ना कि किसी काम की रखी है आप उससे उसको यूज करने लगे, इसके लिए अलग ही जो है पेस्टिसाइड एंड टेक्सटाइल के जो कंटेनर्स एंड पॉलीथीन वगैरह होते हैं इनको करने के लिए एक अलग चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, विच आर फॉलोइंग इंसेक्ट रिलीज एग्रेगेशन फेरोमोन, 46 जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हनी भी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 47 की ओर, केमिकल्स दैट कॉज इंसेक्ट टू मेक ओरिएंटेड मूवमेंट्स टू आर देयर सोर्स आर कॉल्ड, 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अट्रैक्टेंट्स, आकर्षित करने वाले जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्राइजेंस आर, ट्राइजेंस आपका क्या है, तो ट्राइजेंस जो होते हैं 48 जो है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, IGR, ट्राइजेंस होते हैं आपके क्या होते हैं, तो IGR होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 49, एग्जाम्पल ऑफ रेपेलेंट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, रेपेलेंट्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है जिसका क्या हो, जो प्लांट के द्वारा तैयार किया जाता हो या प्राप्त किया जाता हो, तो इसमें आता है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पायरेथ्रम। ठीक है दोस्तों, और सब ये केमिकल से जो होते हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइंटिफिक नेम ऑफ शीट गॉल नेमाटोड इसका होता है, एंगोनिया टिट्साई, ये ऑप्शन इज करेक्ट, 50, क्वेश्चन नंबर 50 का ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, मेलाडोगाइन कॉग्निटा इज, ये क्या होता है, रूट नॉट नेमाटोड है, मेलाडोगाइन कॉग्निटा क्या है, रूट नॉट नेमाटोड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, नेमाटोड डैमेज प्लांट बाय फॉलोइंग वेज, यहाँ पे दोस्तों हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट होगा, किलिंग आर मॉडिफाइड, किलिंग और मॉडिफाइंग द रूट सेल विच सर्व एज फूड फॉर द नेमाटोड, मुझे कन्फर्म नहीं दोस्तों, शायद बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, फ्लो मैनी स्टेजेज आर फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ नेमाटोड, तो नेमाटोड जो होता है इसमें कितनी लाइफ साइकिल पाए जाते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 6 लाइफ साइकिल पाए जाते हैं, 53 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 54, प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड हैव दैट पेनेट्रेट सेल एंड विदड्रॉ द कंटेंट्स, इसका होता है ये ऑप्शन करेक्ट होता है बिल्कुल, स्टाइलेट्स एंड स्पीयर्स जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है 55, नेमाटोड हैज, नेमाटोड क्या रखता है, ऑल द अबव, सबको, डाइजेस्टिव ऑर्गेन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं, नो सर्कुलर रेस्पिरेटरी या स्केलेटल सिस्टम ये होता है, नहीं रखता है, और बाकी ये दोनों रखे जाते हैं, इसके पास पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 55 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 56, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO इस्टेब्लिश्ड इन, तो यहाँ पे दोस्तों वार्निंग होगा, यहाँ पे वार्निंग लिख गया है, इसका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1939। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, द प्रोविजंस ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट वायर इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, तो यहाँ पे 57 जो दिया गया है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 1968। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, DPP Q&S स्टोरेज इस्टेब्लिश होता है 1946, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946 में इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 59 की ओर, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज ये कहाँ है, तो आपका आता है फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका होता है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, 1914।
तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन। दोस्तों प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी हम पेपर का सोल्यूशन या आपके सेमेस्टर वाले पेपर का सोल्यूशन या कोई एंट्रेंस एग्जाम हुए उनके पेपर का सोल्यूशन लेके आएंगे, तो उसके आंसर की आप लोगों को मिल सके। इसके लिए इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले पहुँचे, तो इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी और आप वहां से देख सकेंगे। दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हैं, इससे क्या होता है दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई फास्ट ट्रैक विथ एग्री वाला आप जाएँ इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर सर्च करें, आपको अकाउंट मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी जो भी हो बता सकते हैं, और अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो वहाँ भी नीचे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।